हम सब आज यहाँ पे आए हैं, 40 रुपए में मिला इस भाई की मोटरसाइकिल से हुआ है, तो फूल लेंगे। और ये है वो मंदिर, लेहड़ा माता मंदिर। ये सब विलेज एरिया में है। स्वागत आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है निखिल टेक जोन। फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ रात भर चलकर, कुछ दूर चलते ही कुछ दूर निकलते ही यह है लेहड़ा देवी का मंदिर। अभी तो हम लोग मतलब अभी समय हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 4:44। और अभी हम लोग इस लेहड़ा देवी मंदिर में पहुँचे। ये नवरात्र में हर मतलब चौथे दिन जो नवरात्र का पांचवें दिन नवरात्र में हमेशा पांचवें दिन हमारे घर से मतलब जो मंडप है वहाँ से हमारे जहाँ पे मैं रहता हूँ मतलब वहीं से वो पदयात्रा निकलता है, जो कि दूरी है 40 किलोमीटर तक का लेहड़ा देवी मंदिर। तो हम सभी ये देखिए, हम सब आज यहाँ पे आए हैं, वो देखिए हम सभी यहाँ पे आज आए हैं दर्शन करने माता के। और हर साल हम लोग आते ही रहते हैं, मैं भी हर साल आता हूँ, और इस बार सोचा आया तो आपको दिखा भी दूँ कि कैसे मतलब मैं आपको पूरा रास्ते का तो नहीं दिखा पाया क्योंकि रास्ते में अंधेरा बहुत था, लाइट्स की बहुत दिक्कत थी। अभी भी देखिए, अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ ये देखिए तो आपको लाइट की भी दिक्कत आएगी। ये देखिए यहाँ पर वो लगा है तो मैं यहाँ से अच्छे से बना पा रहा हूँ अभी अभी भाई अच्छे से, भाई सुबह भी नहीं हुआ है। यहाँ पे इतने ही टाइम पूरे मंदिर मतलब जो होते हैं मंदिर के सामान वामान वो सब लग जाते हैं यहाँ पे। भाई मंदिर ही है तो फिर यहाँ पे लग जाते हैं। और यहाँ पे यही लोग नहाने की भी व्यवस्था भी देते हैं। इस साइड देखिए लोग नहा भी रहे हैं, अभी आपको नहीं दिखेगा। इस साइड और घुमाते हैं, लेकिन इनका भी कुछ नियम और शर्तें लागू हैं। मतलब अगर आप इनके यहाँ पे नहा रहे हैं तो आपको इन्हीं के यहाँ से सामान भी लेना होगा, ये बात तय है। और भाई चलिए अब मैं भी अभी नहा के मिलता हूँ, एकदम ये सब चेंज करके। भाई हमने वहाँ से लिया है अभी प्रसाद, और ये हमारे साथ में वो मेरा भाई है, उसको तो आप जानते ही होंगे, बहुत बार हमारी वीडियो में आ चुका है। और अब हम अभी चल रहे हैं मंदिर, ये है हमारा प्रसाद। और भाई ये हमको 40 रुपए में मिला भैया प्रसाद का। और अभी एक और साथ में है, वो अभी उधर प्रसाद ले रहा है, वो देखिए लाल चेक शर्ट में, अभी वो भी आता ही होगा। अब बाकी भाई उतने दूर से भाई आना, हालाँकि मैं तो 12 किलोमीटर तक पैदल आया, लेकिन उसके बाद का जो सफ़र हुआ मेरा वो भाई इस भाई के मोटरसाइकिल से हुआ है। तो भाई मोटरसाइकिल पे तो भाई ठंडी का मौसम है, और भाई सुबह 4 बजे नहा लिया हूँ, और भाई देख सकते हो भाई अभी ठीक से सुबह भी नहीं हुई है, खुद देख सकते हो भाई आगे पीछे ऊपर नीचे। और भाई ये जो लेहड़ा मंदिर है, ये आप बहुत ही अच्छा मंदिर है, हर साल यहाँ पर हम लोग आते हैं, पूजा करते हैं, और भाई मन्नत भी पूरी होती है। और चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है यहाँ पे। अब हम भाई यहाँ से फूल लेंगे। और ये है वो मंदिर, लेहड़ा माता मंदिर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का, अगर आप हमारे क्षेत्र में कभी आते पूर्वांचल क्षेत्र में। और यही वो लड़का है जो अभी वहाँ पे प्रसाद ले रहा था। हमारे क्षेत्र में ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और हमारे भाई लोग अभी यहाँ पे सब फूल माला ले रहे हैं। और भाई ये मंदिर अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, इसलिए यहाँ पे अभी से बहुत ही ज़्यादा भीड़ लग गई है। अभी आगे आपको चल के दिखाते हैं, अभी से ही बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई यहाँ पे। मतलब भाई दर्शन यहाँ पे भाई करने के लिए ज़्यादा आते हैं। और भाई यहाँ पे पूरा मार्केट है, जो कि 3-4 बजे से आराम से भाई मार्केट लगना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे ये मंदिर है, हालांकि मुझे नहीं लगता जैसे कि गोरखनाथ मंदिर में जब मैं गया था इसके साथ व्लॉग बनाने, तो वहाँ पे अंदर वीडियो नहीं शूट करने दिया था, तो इसलिए मैं आपको यहीं से, अगर आप देख पाएंगे ये मंदिर है,
तो मैं अंदर क्योंकि बनाने वाला नहीं हूँ वीडियो, क्योंकि अगर हो सकता है अंदर कोई ऑब्जेक्शन कर दे, बोल भी सकते हैं, इसलिए भाई अभी हम दर्शन करके आते हैं। अगर चांस मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर और कैसा है मंदिर यहाँ का, आपको भी दर्शन कराएंगे अपने इधर के लेहड़ा देवी मंदिर के। ये है भाई माँ लेहड़ा माता देवी की लाइन, बहुत ही लंबी लाइन है। हालांकि अभी तो इस समय लाइन थोड़ी कम है, जब अभी 7 से 8 जब बजते हैं तो भाई लाइन यहाँ से लेके पूरी, आप जो पीछे तक देख रहे हैं पूरा वो जो पोल देख रहे हैं आप, उसके भी बाहर तक पूरा रोड तक अच्छी खासी लाइन हो जाती है। हम लोग हर साल आते हैं तो इसलिए भाई देखा, लेकिन आज हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए हैं तो इसलिए हम लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई आए तुरंत, भाई आए और रसगुल्ला पा गए, ऐसा लग रहा है। अब देखते हैं भाई, सुबह का वक्त है, अभी से ही यहाँ पे साफ़ सफाई चालू है और यहाँ पे देखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा ऐसा कि बहुत अच्छी खासी साफ़ सफाई है यहाँ पे। मतलब भाई एकदम जो फर्श है एकदम अच्छे से चमक रहे हैं और मंदिर भी अच्छा सजा है, जैसे कि आप देख भी रहे होंगे। बहुत ही अच्छा लगा यार यहाँ पे आके। यहाँ पे मैं हर साल तो आता था लेकिन 2 साल से मैं यहाँ लेहड़ा मंदिर नहीं आ पाया, लेकिन ये आज माता देवी का आशीर्वाद है कि मैं यहाँ तक आज फिर आया और माँ के दर्शन करूँगा। भाई यहाँ पे कुछ ऐसा है कि अगर आप सुबह जल्दी के वक्त आते हैं, मतलब अगर आप 4 से 5 बजे के बीच में इस मंदिर में आते हैं तो आपको दर्शन करने में दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से दर्शन कर लेंगे। लेकिन अगर जहाँ आपका 7 से 8 बजे तो भाई लाइन बहुत लंबी हो जाती है, तो दिक्कत भी हो जाता है कि दर्शन कैसे करें। और भाई ये मंदिर है माता लेहड़ा का मंदिर, भाई वहाँ पे दर्शन करने के बाद हम आएंगे अब यहाँ पे नारियल चढ़ाने। उधर उस साइड में फूल चढ़ते हैं, जिस साइड जिस लाइन में अभी हम थे, अब इधर हम जाएंगे नारियल चढ़ाने, इधर नारियल चढ़ाते हैं हम लोग। चलिए चढ़ाते हैं। ये देखिए यहाँ पे सभी बाबा बैठ के नारियल फोड़ रहे हैं, यहीं पे नारियल चढ़ता है जो कि शुभ माना जाता है हमारे हिंदू धर्म के लिए। अब भाई दर्शन करके हम लोग आ गए हैं बाहर मंदिर के, वो रहा मंदिर पीछे देख रहे होंगे, वो है मंदिर। हम लोग वहाँ से पूजा वूजा करके बाहर आ गए और आप देख सकते हैं धीरे धीरे सुबह हो रही है, मतलब जिसको हम लोग भोर कहते हैं, भोर हो रहा है, सुबह हो रहा है धीरे धीरे। और भाई हमारे भाई को यहाँ पे अंगूठा लेना था तो वो वही लेने आया है। अब यहाँ पे हम लोग भाई, लेकिन मानना पड़ेगा जो बहुत अच्छी यहाँ पे सफाई है, मतलब डस्टबिन भी पूरे रखे हुए हैं, आप अगर देखेंगे वो देखिए नीला कलर का डस्टबिन है उधर उस साइड में, नीले कलर का डस्टबिन है, फिर इधर भी कहीं है, मैंने अभी देखा है लेकिन नहीं दिखा सकता। उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं, अभी अब हम सभी लोग 1-2 है तो हम लोग बहुत लोग, अगर गिने तो भाई बहुत लोग आए हम हमारे उधर से, लेकिन जो अभी साथ में हैं हम बस 4 ही लोग हैं इधर, 1, 2, 3 और पीछे एक वो वाला 4, हम 4 ही लोग हैं। और अगर मेन आप कभी इधर कभी आप नवरात्रि के समय में आते हैं तो नवरात्रि में आपको कभी ऐसा दिक्कत नहीं होगा कि आप यहाँ पे मतलब खाने का कोई दिक्कत हो, मतलब अगर मान लीजिए आप 9 दिन व्रत हैं या आप, हाँ 9 दिन व्रत हैं तो भाई यहाँ पे व्रत का पूरा ही सामान मिलता है यहाँ पे, जो फलाहारी होता है आप इधर पढ़ सकते हैं, ये इनका बोर्ड है पूरा, मतलब एकदम शुद्ध शाकाहारी। मैं जब भी आता हूँ यहीं से हमेशा खाता हूँ, आप भी आइएगा तो यहीं से खाइएगा, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। और भाई इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ कि मैं सबका भी से पेड प्रमोशन करने लगूँ, तो भाई गलत मत समझना, आजकल भाई यूट्यूब पे यार ऐसे ही होने लगा है। अब भाई हम लोग यहाँ नाश्ता वाश्ता करने के बाद अब निकले हैं मार्केट में कुछ, मतलब घर के लिए प्रसाद लेने के लिए, और भाई ने कुछ सामान वामान लिया है यहाँ से। और इसके बाद ये यही है वो मंदिर जहाँ पे अभी हम लोगों ने दर्शन किया है, ये सामने। अब अभी इधर से हम लोग और भी सामान लेंगे जो दर्शन करने का, जो घर पे प्रसाद के लिए वहाँ के लिए सामान लेंगे, फिर उसके बाद हम बाइक से घर निकल देंगे। अब भाई वक्त आ गया यहाँ से हमको निकलने का, क्योंकि भाई जो दर्शन वर्शन था हमने कर लिया,
और इस बैग में पूरा प्रसाद वरसाद रख लिया है और बाकी का प्रसाद इनके बैग में है। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। अब अभी मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मार्केट, हाँ ये है कि सुबह नवरात्रि के टाइम पे, और वैसे तो मैं कभी आता नहीं यहाँ पे, और बाकी टाइम का नहीं पता कि मार्केट कब लगते है कैसे लगता है, लेकिन नवरात्रि के समय पे बहुत अच्छे से मार्केट पूरे अच्छे से लग जाती है। यही सब मार्केट है यहाँ की। बाय बाय भैया, ये पूरा मार्केट है। ये बाहर का निकलने का एंट्री का, मतलब एंट्री नहीं, मतलब ये बाहर निकल रहा हूँ, ये वहाँ का है, इसी से इसे सब। भाई यार थोड़ा वैसा एरिया, यहाँ पे कैमरा हाथ में लेते हुए चलते हुए बहुत डर लग रहा है कि ये अजीब कहीं धुनैया ना हो जाए। अब भाई समय हो रहा सुबह के 6:30 और हम लोग अब जा रहे हैं अपने घर के तरफ बाइक से। ये है बाइक बुलेट, इससे हम लोग जा रहे हैं घर अपने। और ये है ड्राइवर साहब विक्की भाई, ये देखिए आप आगे देखिए वरना हम लोग देखने लायक नहीं रह जाएंगे। भाई बहुत मज़ा आ गया यार, मतलब मैं भाई ज़्यादा पैदल तो चला नहीं, लेकिन फिर भी भाई जितना भी चला बहुत चला। हम ना बैठ पे बाबाओ, बोल दुर्गा मैया की जय, बोल श्री साचे देवी दरबार की जय। आराम चल भाई, मैं आपको इधर का थोड़ा गांव का भी नज़ारा दिखाता चलूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आवाज़ थोड़ी साफ आएगी, क्योंकि भाई बाइक पे चल रहे हैं और बाइक पे मुझे नहीं लगता कि आवाज़ उतनी क्लियर आएगी। ये सब भाई देखो, ये सब पूरा खेत वाला एरिया है। और भाई गांव में एक चीज़ रहता है, हम लोग जब पैदल आ रहे थे, तो फिर भाई हम लोग देखे कि भाई गांव में भाई जितने लोग होते हैं 3 बजे से 4 बजे के बीच में उनको उठना ही रहता है, और उठ जाते हैं। और भाई वो हालांकि जल्दी सो भी जाते हैं, और जल्दी सोते कितने बजे हैं, 7-8 बजे सो जाते हैं आराम से, और भाई तो जल्दी उठेंगे। और भाई हम लोग के उधर क्या है, आराम से भाई भाई शॉप बंद करो 10 बजे में बच जाता है, फिर घूमो टहलो 10, 11, 12, भाई 12 बज जाते हैं खाना खाते खाते, भाई 1 बज जाते हैं सोते सोते, तो भाई लेट तो उठेंगे ही ना। भाई आप इधर देखिए, ये सब विलेज एरिया में है। भाई बहुत मजा आ गया भाई, और भाई ठंड भी लग रही है रात के समय। तो भाई जब अभी व्लॉग बनाना जब स्टार्ट किए थे भाई, जब इसी रूट से हम लोग आ रहे थे, तब भाई क्या ज़बरदस्त ठंडी थी, लेकिन अब चलो भाई अब इतनी टाइम, ये देखिए आप देख भी सकते हैं धूप भी निकल रही है थोड़ी थोड़ी, तो भाई थोड़ा अच्छा लग रहा है, मन को शांति मिल रही है। तब बस भाई आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।